या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, एक तो नफ्से अम्मारा है जो बुराई का हुक्म देता है। आज ही मैं पढ़ रहा था एक जगह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखा कि नफ्स एक ऐसा ऐसा कुत्ता है, नफ्स इंसान का अपना नफ्स, उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक कि वो बंदे से गुनाह ना करवा ले। तो नफ्से अम्मारा का तो काम ही बुराई का हुक्म देना है। इन नफ्स अल अम्मारा तुम बिस्सू, नफ्से अम्मारा का तो काम ही बुराई का हुक्म देना है। जब बंदा बुराई कर लेता है तो कभी कभी जमीर जाग जाता है, और जब जमीर जाग जाए और उसको मलामत हो कि यार ये जो मैंने किया ये किया गलत, अगर ये कैफियत हो जाए तो ये नफ्स लवामा है। ये भी अच्छा है कि चलो एहसास तो हुआ, एहसास होगा तो बंदा तौबा करेगा। फिर उसके बाद अगला जो दर्जा है वो है नफ्स मुतमईना, इत्मीनान वाली जान, जिसको जो अल्लाह ताला ने सहाबा और सहाबियात को अता की, अल्लाह हमें भी वो नसीब फरमाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ए इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिकि राधियतन मर्दिया, जब बंदे का इंतकाल होने वाला होता है तो फरिश्तों की तरफ से निदा आती है, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट, अपने रब की तरफ चल। बंदा जाते हुए क्यों घबराएगा, राधियतन मर्दिया, रब इससे राजी और ये रब से राजी। और अल्लाह फरमाएगा फदखुली फी इबादी, आ मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में आ जा। अल्लाह ताला ये सदा हमें भी नसीब करे। बड़ी